Because they do not want me to show it on my channel. जो भी रहता है, I don't see the point in it. Like बहुत भारी है लोग. Is your Aryan? Anna. Bye. I'm leaving. सुबह के 11 बजे हुए हैं और मैं अभी आर्यन के घर से निकल रहा हूँ. 11 नहीं, I think 10 बजे हुआ है. वो अभी भी सो रहा है. Just need to get my keys. मैं जल्दी उठ गया एंड आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट ऑफ द डे लिटिल अर्ली. सो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ एंड वी विल गो होम. गुड मॉर्निंग. फाइनली घर आ चुका हूँ. मैंने एक छोटा सा शावर लिया, ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा सा चिल किया. बट आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है क्योंकि आज हमें एक छोटा सा कमर्शियल शूट करना है एक कंपनी के लिए. ये एक कमर्शियल शूट है, एज इन दे आर पेइंग मी फॉर दिस. बट एक छोटा सा इशू है कि मैं आपको इसका बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट मी टू शो इट ऑन माई चैनल. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ये हर कंपनी टू कंपनी, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सपोज द बिहाइंड द सीन्स या हम कैसे शूट कर रहे हैं. सो इसका BTS तो आपको मिलेगा नहीं, बट इसका ये मतलब है आज थोड़ा व्लॉगिंग भी टफ हो जाएगा. सो मैं डायरेक्टली एक जंप इन टाइम लेने वाला हूँ थोड़ी देर में एंड आई विल सी यू गाइस स्ट्रेट आफ्टर सम टाइम. ऑल्सो हम अभी बाहर जाने वाले हैं प्राण जी के पास. प्राण जी का खुद का एक रेंटल हाउस है. हर शूट के लिए मैं उनसे ही सारा इक्विपमेंट रेंट पे लेता हूँ और उनके पास से हम लोग कुछ वायरलेस माइक्स लेने वाले हैं क्योंकि वी विल नीड इट फॉर द शूट. बट एट द सेम टाइम उन्होंने रिसेंटली एक रेड कमोडो कैमरा लिया है विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी एंड होपफुली अगर उनके पास वो अभी रहेगा वी विल हैव अ स्मॉल स्नीक पीक एट इट. सो जल्दी से निकलते हैं एंड आई विल सी यू गाइस देयर. सो एक क्विक चेंज इन क्लोथ्स बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसके पहले का जो आउटफिट था वो बहुत ज्यादा कैजुअल था. हेलो माइक ले लो. सर ये सेपरेट माइक पर लाऊं पर इतना ब्रेक है. ओके ओके वाओ. यही है वो जो रेड कैमरा की मैं बात कर रहा था. अकुला कमोडो राइट. सो जो माइक है वो तो मैंने ले लिया एंड आई ऑल्सो आप लोगों को जैसे मैंने बोला था मैंने आपका रेड कैमरा दिखाया विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. उसका रेंट कुछ 6,500 है दिन का विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो होपफुली अगर आई गेट अ बिग प्रोजेक्ट सून इनफ मैं उसको ज़रूर रेंट करूँगा. आई रियली रियली वॉन्ट टू यूज़ इट. ठीक है गाइस, हम लोग फाइनली नीचे आ चुके हैं. तनवीज़ हियर विद मी और हम लोग अभी शूट चालू करने वाले हैं. मॉडल्स आर ऑन देयर वे. बट या आई थिंक आई विल सी यू गाइस आफ्टर द शूट क्योंकि मैं शूट के बारे में वैसे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ. सो आई विल सी यू गाइस स्ट्रेट आफ्टर द शूट. 2 hours later. कुछ 5:30-6 बजे के आसपास हो चुका है. हम लोग अभी भी शूट कर रहे हैं. रियली फीलिंग लाइक मुझे आप लोगों को ये शूट का BTS दिखाना था पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा. ऑल्सो दैट्स माई मामी ओवर देयर. मामी से हाय. शी इज हेल्पिंग मी आउट विद द शूट. वो एक मॉडल बन रही है शूट के लिए. ऑल्सो दैट्स राधा my cousin और एक अभी जस्ट दो दिन एक दिन पहले yesterday ना yesterday राधा bought this for laptop and वो काफी time से सोच रही थी which laptop to buy but the special thing about this laptop is कि उसने ये अपने खुद के salary से उसने खरीदा है. How many days did you save up? Months? One year you were saving up. Oh dude crazy. Big achievement. Yeah. Tis. फाइनली बैक होम. हम लोगों ने कुछ साथ में साबूदाना खिचड़ी भी लेके आया है एंड या गुड शूट शूट चिल. अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया. अभी कल सुबह इसी शूट का कंटिन्यूएशन भी है. अनफॉर्चुनेटली यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैं आप लोगों को. आई कॉन्ट टेल यू मोर अबाउट द शूट बट इट इज़ हाउ इट इज़. आई एम सो सॉरी. मैं जस्ट घर पहुंचा शूट करने के बाद और मैं जैसे ही मेरे रूम में एंटर करता हूँ मेरे फ़ोन पे बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं लाइक ऑल माई फ्रेंड्स क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट था जिसके बारे में हम लोग मैं और आर्यन कल से बात कर रहे थे वो मैंने सबमिट करना मैं उसे भूल गया जिसकी सबमिशन डेट 4 बजे की थी जिसकी वजह से मेरा लिस्ट में नाम नहीं लगा फॉर द टुमारोज़ वाइवाज. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है जो मुझे सबमिट करना था मैंने वो नहीं किया एंड आई माइट बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल. बट मैंने अभी सारे टीचर्स को मैसेज किया है उन्हें कॉल किया है. सो अभी मैं जल्दी से वो असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा. उसके बाद मुझे आज का व्लॉग भी एडिट करना है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू ऑल्सो जो आज मैंने क्लाइंट का शूट किया उसके लिए भी मुझे आज एक छोटा सा रफ ड्राफ्ट लगाना है.
टू मच वर्क एंड आई एम एग्जॉस्टेड यार. मी दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट ना किस तरह से क्या करना है उसमें किस पे ऑन ईमेल रात के 11 बज चुके हैं और मेरा असाइनमेंट जस्ट खत्म हुआ. मैंने वो टीचर्स को सेंड कर दिया. बट यार जब मैं वो असाइनमेंट कर रहा था आई जस्ट फेल लाइक कि कितना पॉइंटलेस चीज़ है. लाइक आई एम सॉरी अगर आई एम ऑफेंडिंग एनीवन और एनी कॉलेज सिस्टम जो एनीथिंग, बट ये कॉलेज में जो ये लोग असाइनमेंट्स करवाते हैं तुमसे पूरा ये लिखवाते हैं या जो भी रहता है आई डोंट सी द पॉइंट इन इट. लाइक पढ़ा रहे हैं वो लोग वो ठीक है, बट ये जो पूरा असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें से बच्चे सब लिख रहे हैं आई एम नॉट इवन गोना लाई. मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त उनके दोस्त सबके सब एक बंदा वो असाइनमेंट करता है बाकी सब सिर्फ कॉपी करते हैं. आई डोंट नो कि वो किस तरह से किसी की लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है. डोंट ब्लेम देम आइदर. कोविड की सिचुएशन की वजह से उनको भी अपनी चीज़ें रन करना और बच्चे को मैनेज करना मुश्किल हो चुका है. सो इट्स टाइम टू रीड सम कॉमेंट्स. लीव माई दादी अलोन. भाई तेरी दादी को मैंने कब कुछ किया. 1:30 हो चुके हैं. ये लास्ट वीडियो लास्ट टू लास्ट व्लॉग में ये चीज़ बहुत सारी कमेंट सेक्शन में आ गई. मैंने आई थिंक 1:30 की जगह 1:30 ऐसा कुछ तो भी बोला और अभी 1:30 हो चुका. वो बहुत फनी हो गया. टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे हिंदी में गिनती भी सिर्फ आई थिंक 20 तक आती है, उसके ऊपर मुझे नहीं आती है. मराठी में भी आई थिंक आई नो ओनली टिल 20. यू नो इवन टाइम वाइज मुझे याद नहीं रहता है. लाइक मैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 1:30 हुआ है हिंदी में कैसे बोलते हैं नो आइडिया. द नेम ऑफ द सॉन्ग दैट यू यूज्ड इन द इंट्रो. अभी बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि यार हम लोग मैं कौन सा सॉन्ग यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस के लिए. फॉर माय यूट्यूब वीडियोस मैं एपिडेमिक म्यूजिक का यूज़ करता हूँ. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं. यू नीड अ सब्सक्रिप्शन टू बाय इट. तो दैट इज़ अ वेबसाइट जहाँ से मैं अपना सारा म्यूजिक यूज़ करता हूँ फॉर माई वीडियोज़. आज का ये कमेंट सेक्शन रीडिंग खत्म हुआ. अब आर्यन हमारे घर आर्यन और साकेत अभी मेरे घर पे आ रहे हैं क्योंकि आर्यन अपना पीनट बटर कुछ तो भी यहाँ पे भूल गया था और उसको वो चाहिए. तो वो लोग सिर्फ वो कलेक्ट करने को आने वाले हैं. सो या अभी यार डेली व्लॉगिंग आई फॉरगॉट स्टिल व्लॉगिंग. हेलो गाइस. अबे यार वैसे फ्रंट वाला था मेरे घर में ही होगा. चेक मेरे रूम पे कोई चेक कर तेरा वो है वो क्या वो मैंगो शेक वाला प्रोटीन. रुक मैंने जब मैं विराग के घर पे आया था ना 2-3 दिन पहले मैंने देखा था किधर. उसके बाद भी उसका लोकेशन चेंज हुआ गया. ही गॉट इट यस्टरडे. अच्छा कल आया गया. अच्छा तुम दोनों ये दोनों एक दूसरे के घर पे जाते रहते हैं. सो नो ओके. सो ब्रो लास्ट थिंग आई रिमेंबर आई वाज इन द रूम आई वाज लाइक खन्ना यू लीव वी वर विद माय पेरेंट्स. या सो देन आई सेड आई लीव इन फैमिली. या मेबी आई टुक इट देन यू लेफ्ट देन आई डोंट नो इफ यू टुक इट और नॉट. टुक इट एक इसके ऊपर जाता है एंड द अदर वन इज लाइक वायरलेस and then you can take it anywhere. Pranks liye acha hai. Very good bro. I think this will be we'll my use next it. My next investment. Abhi maine bhi rent pe liya hai but I think or if you want to buy it it's for 20,000 ke aas pass. Paap re Virag ko dekho 2 lakh ka camera leta hai shoot karta hai apne iPhone pe. ये जो बट कितना भारी है यार विराग तू. हाँ ट्राई व्लॉगिंग ऐसे ब्रो ट्राई व्लॉगिंग ऐसे. नहीं नीचे से पकड़ना नीचे से पकड़. फ्रंट रेस मेरे सारे तो सभी बट बिग डेल्स. ये बहुत भारी है ब्रो. कुछ समय के बाद थोड़ा शेकिंग. दैट्स व्हेन आई नो आई हैव टू स्विच माय हैंड. आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के दोनों घर के बाहर. गुड नाइट सी यू. गुड नाइट बाय बाय. यू गॉट योर स्टफ ना. यू वांटेड टू फिस्ट बम ना अभी. नो 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 जस्ट से बाय. आई डोंट नो कवर अप बिकॉज़ वी डोंट आई डोंट नो. नो 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 अरे ब्रो इन द जिम ब्रो लाइक नाउ बिकॉज़ ऑफ कोविड देयर इज लाइक अ कंफ्यूजन ना. सो लाइक तो ब्रो एक बार दिस गाय डिड दिस. आई वाज डूइंग दिस एंड आई गलती से जस्ट ग्रैब दिस फेस ब्रो. इट वाज डैम इन द जिम. या ब्रो